जितने खैर के काम हैं वो सबसे ज्यादा आसान, जितने शर के काम हैं वो सबसे ज्यादा मुश्किल। ये अल्लाह की तरफ से है कि जितने खैर के काम हैं वो आसान, लेकिन जबकि उसका नफा नुकसान सामने हो और उस पर अमल करें। एक सहाबी नाबीना थे, रिवायत में है, अपनी जगह बैठे रहते थे। कोई मांगने वाला साहिल आया और उसने आवाज लगाई तो उन्होंने अपनी जगह से लेकर घर के आखिर तक एक दोरी बांध रखी थी, वो दोरी के सहारे 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 बाहर जाकर उसको खुद दिया था। साहिल को देने का हुक्म है। उनके बेटों ने कहा आप नाबीना हैं, हमको दे दीजिए, हम भी आएंगे, मकसद तो इसकी मदद करनी है, आपको ठोकर लगेगी, ये पता क्या हो जाएगा। तो उन्होंने बताया कि ये मसला नहीं है, मसला ये है कि हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी है कि हाजतमंद की हाजत अपनी जात से पूरी करना, अपनी जात से उसको देना, ये आदमी को बुरी मौत से बचाता है। ये है बात, किसी हाजतमंद की हाजत अपनी जात से पूरी करना, इसलिए मैं इसकी हाजत अपनी जात से पूरी करना चाहता हूं। ये है बात कि मुझको मेरे अमल पर क्या मिलेगा, उसका क्या तरीका है, फिर उसका क्या अंजाम है। इससे मेरे दोस्तों जरूरतें भी दीन बन जाती है और दीन के काम भी दीन बन जाते हैं, जरूरतें भी दीन बन जाती है, खाना भी दीन बन जाता है, कमाना भी दीन बन जाता है। मुसलमान दुनियादार नहीं होता, काफिर दुनियादार होता है। वो ये कहता है कि यही दुनिया है और क्या है, खाना पिया मर गए खत्म, आगे क्या, आगे कुछ नहीं है। इन है अल्लाह हयातुन दुनिया नमू तो मनाबीन, ये दुनिया है, खाएंगे पिएंगे मर जाएंगे, आगे क्या, आगे कुछ नहीं है। ये काफिर कहता है, क्यों कि वो आखिरत के बारे में अंधा है, आखिरत के बारे में वो अंधा है, उसको खबर नहीं है, उसको नबी की रोशनी पहुंची नहीं है या पहुंची उसने ली नहीं है, इसलिए वो यहां भी अंधा है और कयामत भी अंधा उठेगा। हमको यह बसीरत बताई गई है कि ऐसा नहीं है ये खाया पिया मर गया, कि नहीं, मुसलमान दुनियादार नहीं होता, मुसलमान तो दीनदार होता है, वो अपनी दुनिया को दीन बना के फिर ले जाता है साथ। ताजिर के साथ तिजारत का दीन जाएगा, जमींदार के साथ जमींदारी का दीन जाएगा, जी हां, मजदूर के साथ मजदूरी का दीन जाएगा, क्योंकि मजदूरों को मजदूरी का दीन सिखाया है, ताजिरों को तिजारत का दीन सिखाया है। पहले जमाने में इन लोगों के लिए मुस्तकिल नबी आते थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में सब के लिए आए, तो हर एक को उसके शोबे का, उसके धंधे का दीन दिया है।